राम जी, आज आप लोग का स्वागत है राजे का ढाबा डॉट कॉम में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ रिक्वेस्टेड वीडियो लच्छे पराठा और लंगर वाली दाल की। बनाना बिल्कुल ही आसान है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लच्छा पराठा, उसके बाद बनाएंगे लंगर वाली दाल। तो देखिए, हम यहाँ पे गेहूं का आटा लिए हैं और ये मैदा लिए हैं, दोनों आधा आधा किलो है। आप चाहें तो खाली मैदा का भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों मिक्स करके बनाने में आसान भी होता है और दूसरा हेल्दी भी हो जाता है, तो इस वजह से हम दोनों मिक्स करके बनाएंगे। तो हमने आधा किलो आटा गेहूं का और आधा किलो मैदा, दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। यहीं पे हम डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक और 50-60 ग्राम ये रिफाइंड ऑयल है, इसको भी यहीं पर हम डाल देंगे ताकि ज़्यादा बढ़िया अंदर से सॉफ्ट बनता है और ऊपर से क्रंची। नमक और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम इसको बढ़िया से मिला देंगे और हल्का हल्का पानी डाल के हम एक, जिस तरह का हम पराठा का आटा गूंथते हैं उस तरह का एक डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बढ़िया से मिला देंगे। हल्का हल्का पानी डालेंगे इसमें, इकट्ठा पानी ना डाले, हल्का हल्का डाले पानी और एक इसका डो तैयार करेंगे। लच्छा पराठा खाने में बहुत मजा आता है, वो भी दाल मखनी, भंडारे वाली दाल, शाही पनीर हो तो। देखिए, हम हाथों पे हल्का सा तेल बचा था कटोरी में, उसी को लेके और चारों तरफ से लगा के और इसको ढक के रख देते हैं रेस्ट पे। ये देखिए, भंडारे वाली दाल के लिए हमने लिया है उड़द की दाल एक कटोरी, चने की दाल एक कटोरी, मतलब उड़द और चने की दाल होनी चाहिए भंडारे वाली दाल बनाने के लिए। राजमा लिए हैं और अरहर का दाल है ये, राजमा को हम भिंगो लिए हैं पहले से ही, मतलब आधा घंटा पहले हम राजमा को भिंगो लिए थे। आप अरहर की दाल की जगह मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन चना का और उड़द का दाल ज़्यादा ज़रूरत होता है भंडारे वाली दाल बनाने के लिए, और भी एक्स्ट्रा कोई भी दाल मिला सकते हैं इनके सिवा। ये सब दाल को हम बढ़िया से धो लेंगे। ये लंगर की दाल जब से शुरू हुई, बहुत पहले की बात है, लंगर की दाल जिन लोगों के पास, जो लोग संपन्न होते थे वो लोग सामान इकट्ठा करके और दाल बनाया करते थे गरीब आदमियों को, बेसहारा आदमियों को खिलाने के लिए, तो कोई भी दाल इसमें चल जाता है। दाल को हमने बढ़िया से धो लिया है और धोने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, दाल को जितना में दाल डूब जाए पानी से, ज़्यादा दाल में पानी नहीं डालते हैं, बाद में आप गर्म करके भी पानी डाल सकते हैं। और यहीं पे हम एक दो तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और एक लौंग, और यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक और एक छोटा चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है गरम मसाला डालने से, जो साबुत गरम मसाला हमने डाला है। और इसी में एक चम्मच हम सरसों का तेल डाल देते हैं। कुकर बंद करके हम इसको 4-5 सीटी लगवा देंगे। देखिए, हम गैस पर रख दिए हैं इसको और गैस जला दिए हैं। और इसके तड़के के लिए हमने लिया है ये दो प्याज रफली काट के, दो टमाटर भी हमने रफली काट दिया है, यहीं पे एक अदरक और लहसुन लिए हैं, इसको भी हम पेस्ट बना देंगे। और यहाँ पे हमने धनिया पत्ता काट रखा है कटोरी, और इसका तड़का लगाएंगे दाल का। छोटा चम्मच 1/4 छोटा चम्मच जीरा है, 10 हरी मिर्च है, और देसी घी से या सरसों तेल से आप किसी से भी तड़का लगा सकते हैं। यहीं पर हमने आधा मक्खन काट दिया है, एक पेन लिया और पेन में हम मक्खन को डाल देते हैं, वहीं पे थोड़ा सा देसी घी भी डाल देते हैं।
आप चाहें तो खाली मक्खन में तड़का लगा सकते हैं, या देसी घी से ही लगा सकते हैं, या नहीं हो तो सरसों तेल से भी लगा सकते हैं। और यहीं पर जो हमने तड़का के लिए जीरा और लाल मिर्च, जीरा और हरी मिर्ची दिया है, हरी मिर्ची को हमने फाड़ दिया है ताकि ये फटे नहीं। और ये हमारा जीरा और हरी मिर्च तड़क गया है, थोड़ा सा भून गया है, तो इसी में हम जो रफली प्याज काट रखे थे तो वो भी इसी में डाल दिए हैं। इसको भी हम भून लेंगे। इसको 3 मिनट करीब भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। इधर हमारा दाल बन गया है, ये कम से कम 4 सीटी लगता है दाल के बनने में। और देखिए दाल एकदम बढ़िया से पक गया, इसको दबा के आपको दिखा रहे हैं। और यहीं पे हम इधर हमारा जो दाल फ्राई के लिए हमने प्याज भून रहे थे उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डाला है, जो हमने अदरक और लहसुन आपको दिखाया था। ये हमारा प्याज भून गया है, 2-3 मिनट भूनने के बाद हम टमाटर भी डाल दिए हैं। और यहीं पे 1 चम्मच लाल मिर्चा, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। और यहीं पे 1 छोटा चम्मच नमक डालते हैं। नमक को ये ध्यान में रखते हुए हम डाल रहे हैं कि ऑलरेडी पहले हमने 1 छोटा चम्मच नमक दाल को उबालते समय भी डाला था। गैस का फ्लेम हम तेज रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए और नमक डाल दिए हैं कि जल्द से जल्द टमाटर हमारा गल जाए, यानी कि पक जाए। ये हमारा टमाटर जब बढ़िया से भून जाएगा तो इसी में हम दाल को डाल देंगे। टमाटर हमारा बढ़िया से भून गया है, अब इसी में हम दाल को डाल दिए हैं। इस तरह से आप भंडारे वाले दाल बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा खाने में। इस तरह से बनाया भंडारे वाली दाल। और हमने आटा गूंद के रखा था, हमारा इधर दाल बन गया है, 15-20 मिनट आटा को हम रेस्ट पर रखे थे, हमारा आटा सेट हो गया है। अब आपको हम लच्छा पराठा बना के दिखाते हैं। आप थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा पेंदा काट सकते हैं लच्छा पराठा बनाने के लिए, लेकिन लच्छा पराठा थोड़ा मोटा ही होता है। देखिए थोड़ा सा हम परथन लगा दिए हैं और इसको हम बेल देंगे। इसको बेलने के बाद हल्का हल्का हम तेल से ग्रीस कर देते हैं, चाहे तो आप घी से भी कर सकते हैं। और ग्रीस करने के बाद हल्का हल्का इसमें परथन डालते हैं, यानी कि जो आटा होता है उसको। और इस तरह से हम रोल बनाते हैं। देखिए इसको आगे बढ़ते हैं और पीछे उसी के ऊपर रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर उसी के ऊपर पीछे रख देते हैं। इससे जितना बार हम आगे बढ़ के पीछे करते हैं उतने इसकी परतें बनती है पराठे में। और इस तरह से हम इसको रख देते हैं और इसको थोड़ा सा खींच देते हैं। और फिर लास्ट वाले लेयर में हम ग्रीस कर देते हैं अलट पलट के दोनों तरफ, लास्ट और फर्स्ट दोनों तरफ हम। और इसको इस तरह से हम रोल कर देते हैं, घुमा देते हैं। देख लीजिए, देखें। और इसका नीचे की तरफ हम दबा के ऊपर से दबा देते हैं। देख लीजिए इस तरह से हम लच्छे पराठे बनाते हैं। और इसको हाथों से ही प्रेस करते हैं, बेलन से ज़्यादा दबाने के बाद ये इसका जो लच्छा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो पहले हाथों से थोड़ा बड़ा कर लें और हल्के हाथों से इसको बेलें। इधर हमने गैस जला दिया और एक तवा रख दिया है। और जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी प्रोसेस में इसको बनाएंगे, लेकिन गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। और पहले ही हम इसमें मक्खन या घी या तेल कुछ भी लगा देंगे, हल्का हल्का पहले ही लगा देंगे ताकि इसका लेयर क्लियर होने लगे। देखेंगे आप जब हम तेल लगा रहे हैं, देखिए इसका लेयर क्लियर होने लगा है। स्टार्टिंग में तो हम बिल्कुल ही लो रखे थे गैस, अब इसका धीरे धीरे हम हल्का सा फ्लेम बढ़ा देंगे, यानी कि मीडियम कर देंगे, ताकि
और देखिए हमारा ये जो लच्छा पराठा का लाइनिंग है वो चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह से आप लच्छा पराठा बनाए, देखिए हमारा कितना लजीज लच्छा पराठा बना हुआ है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है और देखिए खाली लेयर लेयर ही आपको दिख रहा है। इसमें थोड़ा घी मक्खन ज़्यादा लगता है क्योंकि पराठे ही अच्छे हैं, तो इसमें थोड़ा सा घी मक्खन ज़्यादा लगता है। देखिए हमारा पहला लच्छा पराठा बन के तैयार हो गया है, अब इसी तरह से हम दूसरा लच्छा भी बना लेंगे। इस तरह से आप लच्छा पराठा बनाएं और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका लच्छा पराठा कैसा बना। वैसे रियली जितना भी लच्छा पराठा बनता है रियल में ही, तो सारे लोग मक्खन ही लगाते हैं और मक्खन में ही इसका टेस्ट आता है। जब भी कभी आप बाहर खाते होंगे तो मज़ा आता है जब भी जब इसमें मक्खन लगा हो। मक्खन को मेल्ट करके ढाबा पे लोग रखते हैं और फिर मक्खन ही लगाते हैं। ये देखिए पूरा लेयर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसको हम सर्व करते हैं भंडारे वाली दाल के साथ और रायता के साथ। आपको हमारा ये लच्छा पराठा और भंडारे वाली दाल की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और भंडारे वाली दाल ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। और आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।